नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं कपिल रानी, प्रवक्ता ब्यूटी एंड वेलनेस, हरियाणा शिक्षा विभाग एजुसेट कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम टॉपिक लेके आए हैं नाइन्थ क्लास का, यूनिट वन का लेसन वन, जिसका नाम है करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ब्यूटी एंड वेलनेस जो है एक हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट है अंडर NSPF, और जो है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हमारे विद्यार्थी इसको करके किसी भी फील्ड में वो जा सकते हैं। उनके पास इतने करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, उनके पास इतने अवसर होते हैं इस सब्जेक्ट के माध्यम से कि वो किसी भी फील्ड में जाके अपना करियर बना सकते हैं। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि ब्यूटी एंड वेलनेस कोर्स करने के बाद या ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद एक स्टूडेंट किस लाइन में जा सकता है, किस प्रोफेशन में जा सकता है, उसका क्या इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या अवसर हैं, ठीक है, और क्या क्या वो बन सकता है, अपना खुद का बिजनेस कर सकता है या फिर कहीं जॉब भी कर सकता है, वो एंटरप्रेन्योर बन सकता है या नहीं बन सकता है, ठीक है, क्या क्या इसके मोटिव होते हैं, ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण जो है ब्यूटी एंड वेलनेस का जो क्षेत्र है वो लगातार ग्रोथ करता जाता है। तो आज हम सभी उन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो ध्यान से आप वीडियो देखिएगा, आशा करती हूँ आप इसको समझेंगे और अच्छी तरह से इसको अपने माइंड में उतारेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेते हैं ब्यूटी एंड वेलनेस। व्हाट इज ब्यूटी एंड वेलनेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्यूटी एंड वेलनेस। अगर हम बात करें ब्यूटी की अलग और वेलनेस की अलग, तो ब्यूटी का मीन्स होता है सुंदरता एंड वेलनेस का मतलब होता है हमारा स्वास्थ्य, ठीक है। दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे बनता है कि अगर हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे या हमारा स्वास्थ्य ही ठीक नहीं रहेगा तो हमारी सुंदरता कहाँ से होगी, है ना। ये तो आप सभी मानते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई इंसान अगर दो दिन भी बीमार रह जाए, दो दिन उसको किसी वो डिजीज से जो है परेशान हो जाए, तो उसका तीन दिन बाद आप दो दिन बाद उसका चेहरा देखिएगा, वो सारी उसकी जो रंगत होती है वो गायब होती है। क्यों? क्योंकि जब तक हम इंटरनली स्वस्थ नहीं होंगे, एक्सटर्नली जो हमारी सुंदरता है, जो ब्यूटी है, वो नहीं बन सकेगी। तो इसके अंदर हम जो है आमतौर पे जो है सभी की धारणा होती है कि एक ब्यूटी एंड वेलनेस को वो मानते हैं जी ब्यूटी पार्लर, है ना, और सबको थोड़ा मतलब माइंड में ये कॉन्सेप्ट होता है उनके कि ब्यूटी पार्लर है तो वहाँ पे मसाज होती होगी, हेयर कट होते होंगे, है ना, और फेशियल्स होते होंगे, आमतौर पर सभी के माइंड में यही आता है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, इस सब्जेक्ट के बाद आपके पास इतनी सारी जो है अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि आपका इंटरेस्ट जो है ऐसे लाइन में बन जाएगा और आप किस फील्ड में चले जाएंगे, ठीक है। और आप ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है, मैं तो कहती हूँ कि इसके करने के बाद हमारी जो लड़कियाँ हैं, जो बेटियाँ हैं, उनको किसी के भरोसे रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में एक एंटरप्रेन्योरशिप बना देता है और हम जो है अपने हुनर के साथ काम कर सकते हैं और कितना भी ग्रोथ कर सकते हैं इस फील्ड के अंदर। तो आइए थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन लेते हैं कि ब्यूटी एंड वेलनेस का क्षेत्र जो है क्यों महत्वपूर्ण है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि ब्यूटी एंड वेलनेस का जो क्षेत्र है वो लगातार दिन प्रतिदिन ग्रोथ करता जाता है, ठीक है। और ग्रोथ क्यों करता जाता है ये आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि आप भी जानते होंगे कि आज का जो टाइम है, आज का जो यंग जनरेशन है, यंग ब्लड है, या आज की जो जनरेशन है, वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करती है, लेटेस्ट प्रोडक्ट यूज़ करती है, इंटरनेशनल ब्रांड्स यूज़ करती है। आप देखेंगे हमारे जो मॉर्निंग की शुरुआत होती है, कभी भी देखिएगा आजकल जो लोग है फेस वॉश अपना करते हैं, ठीक है। तो फेस वॉश क्या है, एक ब्रांड है, कॉस्मेटिक है, ठीक है। अगर हम जब तक प्रोडक्ट यूज़ करते रहेंगे, बाहर से शॉप से खरीदते रहेंगे, वो बिक्री होती रहेगी, नई मैन्युफैक्चरिंग होती रहेगी, तो ये जो फील्ड है इसमें कभी कमी आएगी नहीं,
ठीक है, ये तो हमने छोटा सा एग्जाम्पल लिया था। बाकी हम बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, बहुत सारे सैलून के अंदर जाके ट्रीटमेंट लेते हैं। अगर किसी को हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो जाके हेयर से रिलेटेड ट्रीटमेंट लेता है। स्किन के ऊपर एक्ने हैं, ब्लेमिशिंग हैं, कोई मोल्स हैं या कोई अनइवन स्किन है, कोई भी प्रॉब्लम है स्किन के ऊपर, तो वो जाके सैलून में ट्रीटमेंट लेता है। तो वो क्या है, एक प्रकार से थेरेपी है, एक प्रकार से ट्रीटमेंट है, ठीक है। उसके अंदर भी सभी प्रोडक्ट यूज़ होते हैं। तो एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि जो ये इंडस्ट्री है कभी भी डाउन नहीं जाती, हमेशा ग्रोथ करती रहती है। दूसरा, पहले लोग ये सोचते थे कि एक ब्यूटी सैलून के अंदर, या मैं आपके शब्दों में कहूँ कि एक ब्यूटी पार्लर के अंदर, सिर्फ और सिर्फ दुल्हन को तैयार करने का काम किया जाता था। लेकिन आजकल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। जैसा आप सबको भी पता है कि आज घर में अगर छोटा सा भी फंक्शन होता है कोई, तो पूरी फैमिली, इवन हमारे ब्रदर, हमारे जो हैं जो जेंट्स, जो मेल लोग होते हैं, वो भी अपने आप को ग्रूम करने के लिए सैलून के अंदर जाते हैं। जो मेन सैलून होते हैं उनके, यूनिसेक्स सैलून होते हैं, उनके अंदर जाते हैं, वो भी फेशियल्स करवाते हैं, वो भी अपनी स्किन की केयर करते हैं, वो भी हेयर कट करवाते हैं। तो ये ओनली एक ऐसा फील्ड नहीं है कि जिसमें सिर्फ एक वुमेन या फिर एक लड़की ही इसमें जा सकती है। ये समान अवसर दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों इस फील्ड में जाके कितना भी ऊंचा नाम कमा सकते हैं। और ये जो हमारे ट्रीटमेंट है, जो थेरेपी है, वो आज के ज़माने से नहीं, वो हमारे बहुत टाइम पहले राजा महाराजाओं के ज़माने से चली आ रही है। उस टाइम पे प्रोडक्ट नहीं होते थे, उस टाइम पे लोग अपना नेचुरल थेरेपी लेते थे। कोई मड मास्क लगाता था, कोई बेसन मास्क लगाता था, कोई मिट्टी का मास्क लगा के अपने स्किन को ठीक रखते थे, है ना। कोई जो है स्पा लेते थे, स्टीम लेते थे पानी से, है ना। तो वो सभी चीज़ें पहले भी होती थी, लेकिन अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का ज़माना है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती है, नए नए प्रोडक्ट, नए नए मशीन्स, नए नए ट्रीटमेंट वैसे वैसे आते जाते हैं। तो ये तो था हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन कि जो एक ब्यूटी वेलनेस का जो क्षेत्र है उसके अंदर मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब आइए हम नज़र डालते हैं उन कारणों के ऊपर जिनके कारण ब्यूटी एंड वेलनेस का क्षेत्र लगातार ग्रोथ करता जाता है। ऐसे कौन से कारण हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले जैसे कि मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं उनका यूज़ सबसे ज़्यादा हमारी यंग जनरेशन करती है, ठीक है। आप मार्केट में देखेंगे हर दिन कोई ना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, कोई ना कोई नया कॉस्मेटिक हेयर का प्रोडक्ट लॉन्च होता है, कोई हेयर केयर ऑयल लॉन्च होता है, तो हम उनको देख के उतना ही अट्रैक्ट होते हैं। उनकी एड टीवी पे देख लीजिए आप, न्यूज़पेपर में देख लीजिए, सोशल मीडिया पे देख लीजिए, है ना। तो इतनी सारी ऐड आती हैं कि हम उनको देख के ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हैं। और मान लो हमारी स्किन के ऊपर प्रॉब्लम है, एक्ने है, और एक्ने की ही क्रीम की किसी ऐड आ रही है, प्रोडक्ट की ऐड आ रही है कि एक हफ्ते के अंदर एक्ने बिल्कुल जड़ से ख़त्म, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सोचेंगे कितने सारे ट्रीटमेंट लेके देख लिए ये और सही है। तो सेम चीज़ है, अगर हेयर, हमारा हेयर फॉल बहुत हो रहा है, हमारे बाल बहुत झड़ रहे हैं, और अगर हमने ऐड देखी कि ये ऑयल आपका जो है मार्केट में नया आया है, फॉर एग्जांपल आप केशिंग ले लीजिए, है ना, आप और भी बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं हेयर के, आजकल अनियन ऑयल बहुत मतलब डिमांड में है, तो जितनी ऐड उनकी इतनी ऐड आती है, हमें देख के ऑटोमेटिक जिज्ञासा होती है कि ये प्रोडक्ट काम करेगा, क्योंकि हमें वो प्रॉब्लम है तो हम उसी चीज़ के बारे में सबसे पहले सोचते हैं। तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण है कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जो यूज़ है सबसे ज़्यादा हम करते हैं और आज के डिमांड बन गया है, इस कारण भी ये क्षेत्र का भी डाउन नहीं जाता, लगातार इसके अंदर ग्रोथ होती रहती है। सेकेंड कारण मैं बताऊँ आपको प्यारे विद्यार्थियों कि जो भी टीवी के अंदर जो एडवर्टाइजमेंट आती हैं, आपने देखा होगा कि उनके अंदर हमेशा यंग पर्सन को लिया जाता है, है ना। कभी भी आप क्रीम की ऐड देखिए, फेयर एंड लवली की ऐड आती है, हेयर ऑयल की ऐड आती है, लोरियल शैम्पू की ऐड आती है, उनके अंदर आपको कभी देखने को कभी नहीं मिलेगा कि कोई बुजुर्ग या ओल्ड एज पर्सन ऐड देता है, उसके लिए हमेशा यंग पर्सन ही ऐड आपको देते मिलेंगे। और सबसे बड़ा कारण यह है कि उनको देख के हमारी यंग जनरेशन अट्रैक्ट होती है और सबसे ज़्यादा वो प्रोडक्ट खरीदते हैं, ठीक है। ब्यूटी इंडस्ट्री हमारी एक ऐसी हो गई है कि टीवी हमारा है, जैसे फिल्में हैं, सीरियल आते हैं, उनके अंदर देख देख के हमें नई अपडेशन का पता लगता है, तो हम वही चीज़ यूज़ करने की कोशिश करते हैं, वही स्टाइल अपनाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो हर, क्योंकि हर कोई आजकल ये चाहता है कि मैं अपने आप में सुंदर दिखूँ, ठीक है, मेरी स्किन सुंदर दिखे, मेरे हेयर जो है हेल्दी दिखें, हर कोई ये चाहता है, और इसके लिए वो लगातार प्रयास में रहता है, चाहे वो ट्रीटमेंट करे, चाहे वो कोई प्रोडक्ट यूज़ करे, ठीक है।
तो सबसे बड़ा कारण हमारा एक जो मैंने आपको बताया ये भी है जिनके कारण हमारा जो है ब्यूटी एंड वेलनेस का क्षेत्र लगातार ग्रोथ करता रहता है। तो ये तो थे वो कुछ कारण जिनके कारण जो है हमारा जो क्षेत्र है ब्यूटी एंड वेलनेस का वो लगातार ग्रोथ करता रहता है, इससे हमें पता लगता है। आइए अब हम देखते हैं कि जैसा कि हमारा लेसन का नाम है करियर अपॉर्चुनिटीज इन ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर, कि ब्यूटी एंड वेलनेस जो कोर्स कंप्लीट करने के बाद हमारे स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती हैं, उनको क्या क्या अवसर मिलते हैं बिजनेस करने के, किस किस वो फील्ड में जा सकते हैं, क्या क्या उनके पास ऑप्शन हो जाते हैं। अब ज़रूरी तो नहीं कि ब्यूटी एंड वेलनेस का करने के बाद वो एक सैलून ही ओपन करें, ये कोई ज़रूरी नहीं है, और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिनके अंदर वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें अपना करियर बना सकता है, तो उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला, जैसे कि आप मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है, सबसे पहला ब्यूटी सैलून, जिसको आमतौर पे सभी जानते हैं, ब्यूटी सैलून ऑल्सो कॉल्ड एज जो है ब्यूटी पार्लर, ठीक है, आमतौर पे हम उसको ब्यूटी पार्लर ही बोलते हैं सभी, लेकिन जो है उसको हम नाम से बोल सकते हैं ब्यूटी सैलून, कि थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो एक ब्यूटी सैलून के अंदर क्या क्या वर्क होते हैं नॉर्मली सबको पता है, फिर भी मैं थोड़ा सा रिमाइंड करवा देती हूँ क्योंकि ये कॉमन चीज़ हो गई है ना, सबको पता होता है। तो एक ब्यूटी सैलून के अंदर मल्टीटास्किंग वर्क होता है, लाइक फेशियल्स, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, हेयर ट्रीटमेंट, नेल ट्रीटमेंट, मैनीक्योर, पेडिक्योर, रिफ्लेक्सोलॉजी, हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी, तो बहुत सारे ऐसे जो हैं ट्रीटमेंट होते हैं जो एक जगह पे दिए जाते हैं, वो हमारा ब्यूटी सैलून हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर जो क्लाइंट होता है, जो कस्टमर होता है, उसको हर प्रकार की सर्विस वहाँ पे मिल सकती हैं। तो जो हमारा स्टूडेंट है वो या तो अपना सैलून ओपन कर सकता है सेल्फ, या फिर किसी सैलून के अंदर वो एज ए असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट और एज ए ब्यूटी थेरेपिस्ट जॉब भी कर सकता है। असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट जो जॉब रोल मिलेगा वो मैं आपको बता दूँ कि जो 9th और 10th करने के बाद, 10th के बाद अगर बच्चा एग्जिट होता है तो उसको जॉब रोल मिलता है असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट का, और अगर कोई स्टूडेंट 11th और 12th के बाद एग्जिट होता है तो उसको जॉब रोल मिलता है ब्यूटी थेरेपिस्ट का। अगर प्लस टू करने के बाद कोई स्टूडेंट अपना सैलून खोलेगा या फिर किसी सैलून में जॉब के लिए अप्लाई करेगा तो वो अप्लाई किसके लिए करेगा, किसके लिए, राइट, ब्यूटी थेरेपिस्ट के लिए, ठीक है। और अगर 10th के बाद एग्जिट करेगा, मीन्स 9th और 10th उसने कंप्लीट किया है, तो वो किस जॉब रोल के लिए करेगा, असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट, ओके, तो क्लियर। तो ये तो हमारा ब्यूटी सैलून। अब हम आते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा हेयर सैलून, ठीक है। जैसा कि नाम से ही पता लगता है कि हेयर सैलून मीन्स इसके अंदर स्पेसिफिक जो टास्क होता है, स्पेसिफिक जो वर्क होता है वो होता है हेयर से रिलेटेड जो वर्क होता है, लाइक आप हेयर डू कर सकते हैं, आप केमिकल कोई भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आप हेयर कलर कर सकते हैं, रिबॉन्डिंग कर सकते हैं, स्ट्रेटनिंग कर सकते हैं, बालों के अंदर कर्लिंग कर सकते हैं, और कोई भी हेयर स्पा ट्रीटमेंट ले सकते हैं, हेयर स्टाइल मतलब हेयर स्टाइल बना सकते हैं, हेयर डू बना सकते हैं, तो मतलब जिस सैलून के अंदर हेयर कट कर सकते हैं, तो जितने भी जो वर्क होते हैं वो हेयर से रिलेटेड ही होते हैं, इसलिए हेयर सैलून भी ओपन कर सकते हैं या फिर किसी हेयर सैलून में हम एज ए जॉब भी कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आता है हमारा थर्ड ऑप्शन, प्रोडक्ट एंड काउंटर सेल। प्रोडक्ट मींस जो हम कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, काउंटर मींस होता है कि कोई भी, अगर हम सैलून के अंदर भी आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी सैलून में जाते हैं तो उनका अलग से काउंटर होता है, एक डिस्प्ले होता है जिसके अंदर वो उन्होंने अपने प्रोडक्ट शो किए होते हैं। तो जैसे हम गए हेयर ट्रीटमेंट के लिए, तो हमारा फॉर एग्जांपल हेयर फॉल बहुत होता है, हेयर बहुत ज़्यादा डैमेज है, तो जो ब्यूटी थेरेपिस्ट है वो अपने तरफ से जो आपको प्रोडक्ट भी रिकमेंड करता है कि आप जो है ये प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, प्रोफेशनल हैं और इससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो 100% ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो हम उनको सजेशन दे सकते हैं, इससे क्या होगा, जो हमारा जो प्रोडक्ट एनकाउंटर सेल है, जहाँ पे हमने प्रोडक्ट रख रखे हैं वो भी हमारे सेल होंगे और हम कस्टमर की प्रॉब्लम को सोल्व भी कर पाएंगे। या तो हम अलग से अपना ब्यूटी जो है काउंटर भी ओपन कर सकते हैं, कोई शॉप ओपन कर सकते हैं जिसके अंदर ओनली प्रोडक्ट्स ही हम सेल करें, या फिर सैलून के अंदर भी हम प्रोडक्ट रख सकते हैं, काउंटर सेल कर सकते हैं, वहाँ से भी हम जो है क्लाइंट को रिकमेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्पा सेंटर, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं एक तरह से थेरेपी सेंटर भी बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि
स्पा सर्विस दी जाती है। और स्पा किस लिए दी जाती है? हमारी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए और हमारे माइंड को रिलैक्स करने के लिए। स्पा मतलब नॉर्मली इसको हम जैसे स्टीम बाथ भी बोल देते हैं। जैसे हम फेस के ऊपर स्टीम लेते हैं, जो वेपोराइजेशन होता है उसके ऊपर हम फेस के ऊपर लेते हैं, तो स्टीम से क्या होता है, हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं, अंदर की जो एक्स्ट्रा जो टॉक्सिन्स होते हैं वो स्वेटिंग के थ्रू रिमूव हो जाते हैं। तो सेम चीज़ है स्पा भी, वो हमारी बॉडी के लिए होती है स्पा, और जो है अगर फेशियल स्पा लेंगे तो वो सिर्फ हमारे फेस के लिए होती है। तो सेम चीज़ करेगी, हमारे जो है जो पोर्स होते हैं बॉडी के अंदर उनसे जो एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स उनको बाहर निकालती हैं, ठीक है, और जो है हमारी बॉडी को और माइंड को रिलैक्स देती है, ठीक है। अगर हमारा वर्क ऐसा है, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, हमारी बॉडी थक जाती है, माइंड हमारा स्ट्रेसफुल रहता है, तो उस कंडीशन में हम स्पा सेंटर में जाके स्पा सर्विस ले सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं रेजुवेनेशन सेंटर। रेजुवेनेशन मीन्स होता है किसी भी रेजुवेनेट करना, मीन्स किसी भी चीज़ नई चीज़ का निर्माण करना। तो यहाँ पे हम इसका मतलब क्या होता है रेजुवेनेशन सेंटर का, रेजुवेनेशन सेंटर के अंदर बहुत प्रकार की थेरेपीज दी जाती हैं, प्राकृतिक या नेचुरल थेरेपी दी जाती हैं, मसाज थेरेपी दी जाती हैं, एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर थेरेपी दी जाती हैं, रिफ्लेक्सोलॉजी थेरेपी दी जाती हैं, ठीक है, जिनके द्वारा हमारी बॉडी में जो भी डिजीज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनका प्राकृतिक तरीके से इलाज किया जाता है, ठीक है। और जिसके कारण क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर नए सेल्स का निर्माण होता है, ठीक है, और नए सेल्स का निर्माण होगा तो हमारी बॉडी के अंदर जो है नयापन आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, रेजुवेनेट करना मतलब निर्माण करना किसी भी नई चीज़ का, ठीक है। तो हम जैसे मान लो हमारे हेडेक है, हमारे शोल्डर पेन है, हमारे घुटनों में पेन है, हमारे जॉइंट्स में पेन है, हमारे हैंड्स में पेन है, हमारे हेडेक है, गर्दन में पेन है, तो उस हिसाब से क्या करेंगे, उसमें हम कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट नहीं देंगे या कोई हम दवाइयां नहीं देंगे। इसके अंदर सिर्फ क्या करेंगे, हम जो भी हमारी टेक्निक है, मसाज टेक्निक है, जो भी हम प्रेशर पॉइंट जो दबाने की टेक्निक है, उन्हीं से हम नेचुरल तरीके से हम इलाज करते हैं, और बॉडी के अंदर जो भी प्रॉब्लम होती है नेचुरल तरीके के द्वारा जो है इलाज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए जो रिफ्लेक्सोलॉजी ट्रीटमेंट होता है, रिफ्लेक्सोलॉजी ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है कि जो हमारे हैंड्स के अंदर प्रेशर पॉइंट होते हैं, हमारे पूरे हाथों के अंदर प्रेशर पॉइंट होते हैं हर जगह पे, और वो प्रेशर पॉइंट हमारी बॉडी के जो है जितने भी ऑर्गन्स हैं उनसे कनेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो थंब के अंदर जो प्रेशर पॉइंट होता है ये हमारे माइंड से कनेक्ट होता है, तो मीन्स हमारा हेडेक है, हम स्ट्रेस में हैं, तो हमें अगर रिफ्लेक्सोलॉजी ट्रीटमेंट देंगे तो हम प्रेस करेंगे थंब के अंदर जो प्रेशर पॉइंट होता है उसको। जब भी आप देखते होंगे, जब भी कोई ध्यान में बैठता है तो हमेशा ये वाली पोजीशन में लेके बैठता है, क्यों, ताकि इसका कनेक्शन हमारे माइंड से है, ताकि हमारा माइंड पीस हो सके, एकाग्रित हो सके। तो सेम चीज़ है, ऐसे हमारे फुट के अंदर भी है, पैरों के अंदर भी सेम पॉइंट्स होते हैं रिफ्लेक्सोलॉजी पॉइंट, उन ऐसे हाथों को और पैरों के अंदर जो भी पॉइंट्स होते हैं उनको दबा के नेचुरल तरीके के द्वारा इलाज किया जाता है, ठीक है। आई होप यू क्लियर। सेकेंड है हमारा थेरेपी सेंटर। थेरेपी सेंटर भी एक मींस इसके अंदर भी नेचुरल थेरेपी ही दी जाती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वाइब्रेशन थेरेपी, कपिंग थेरेपी, स्वेदिश मसाज थेरेपी, ठीक है, डिफरेंट टाइप की जो है मूवमेंट इसके अंदर मसाज के अंदर की जाती हैं। तो सेम चीज़ है, इसके अंदर भी हमारी बॉडी को रिलैक्स किया जाता है थेरेपी देके। तो एक हमारा स्टूडेंट जो है एक थेरेपी सेंटर के अंदर भी वो एक जॉब रोल कर सकता है, या फिर खुद का कोई अपना थेरेपी सेंटर ओपन कर सकता है। अगर उसके पास बहुत बड़ा लेवल नहीं है तो अपने घर से ही स्टार्ट कर सकता है। ऐसे इसके अंदर कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप ऐसा फील्ड है कि आप इसके अंदर आप बड़े लेवल पर ही स्टार्ट करें, ज़रूरी नहीं होता। तो जैसा जिसका जितना बजट होता है घर से पहले स्टार्ट कीजिए, अपने कस्टमर बनाइए, पब्लिसिटी कीजिए, जब भी आपका बिजनेस ग्रोथ करने लगे उस हिसाब से आप आगे मेंटेन करते जाइए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हम चलते हैं इंटरनेशनल ब्यूटी ब्रांड्स। इंटरनेशनल मीन्स जो हमारे इंटरनेशनल ब्रांड होते हैं, एक तो होते हैं हमारे इंडियन ब्रांड्स होते हैं, एक होते हैं हमारे इंटरनेशनल जो बाहर के ब्रांड्स होते हैं। आजकल आपने टीवी में भी बहुत ऐड देखी होगी, मेबलिन काजल की ऐड आती है, लोरियाल शैम्पू की बहुत ऐड आती है, ओले क्रीम की ऐड आती है, ये सभी क्या हैं, ये हमारे इंटरनेशनल प्रोडक्ट हैं, ये सभी हमारे बाहर के प्रोडक्ट्स हैं। और जितनी ऐड हम टीवी में इनकी देखते हैं उतना ही हमारी जनरेशन जो है अट्रैक्ट होती है,
ठीक है, मेबलिन काजल वॉटर प्रूफ काजल है, लॉन्ग लास्टिंग 48 आवर्स तक चलता है, तो इसका देखिए ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होगा कोई ना कोई, ठीक है, और जाके सीधा वो जो है शॉप से उसी को जो है डिमांड करेगा कि मुझे मेबलिन काजल चाहिए, क्योंकि वो एड देख देखे तो ऑलरेडी उसकी नॉलेज में आ चुका है। सेम हमारा लोरियाल शैम्पू है, तो ये इंटरनेशनल जो ब्रांड्स होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैक हो गया, लोरियाल हो गया, ओले हो गया, ठीक है, तो ये सभी हमारे कलर बार हो गया, ये सारे हमारे इंटरनेशनल ब्रांड हैं, तो हम अपने सैलून के अंदर इंटरनेशनल ब्रांड्स भी रख सकते हैं और क्लाइंट को जो है रिकमेंड कर सकते हैं यूज़ करने के लिए, क्योंकि जो है लेकिन प्रोडक्ट हमें वो ही रखने चाहिए, मैं आपको सजेस्ट करूँगी प्रोडक्ट हम वो ही रखें जिनके बारे में हम श्योर हों कि ये रियल में वर्क करता है और इसका रियल में बेनिफिट होता है। सिर्फ हमें कस्टमर को बेवकूफ़ नहीं बनाना है, हमें उसको सच्चाई बतानी है, जो भी प्रोडक्ट रियल में जो वर्क करता है उसके बारे में उसको बताना है कि ये आपके ऊपर 100% वर्क करेगा, और एक बार उसके ऊपर अगर वो बेनिफिट होगा तो श्योर है कि नेक्स्ट टाइम वो आपसे वो ही प्रोडक्ट लेगा। तो धीरे धीरे मार्केट में अपनी जगह बनाइए, धीरे धीरे अपने जो है कस्टमर्स के अंदर जो है विश्वास जगाइए, प्रोडक्ट यूज़ करवाइए, है ना, तो आप अपना एक इंटरनेशनल ब्रांड भी अपने सैलून के अंदर रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्लिमिंग सेंटर, ठीक है, स्लिमिंग या फिटनेस सेंटर भी आप बोल सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज जिम, जिम बोल सकते हैं। जिम के अंदर क्या करते हैं हम, योगा, एक्सरसाइज, एरोबिक्स, ठीक है, मशीन्स के द्वारा हम जो है एक्सरसाइज करते हैं, तो एक जो है स्लिमिंग सेंटर भी हम ओपन कर सकते हैं अपना, क्योंकि इसके अंदर भी हम योगा करवा के, एक्सरसाइज करवा के हम वेट को जो है लॉस करवा सकते हैं, वेट गेन करवा सकते हैं, ठीक है, हम हेल्थ को मेंटेन करवा सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था वेलनेस मीन्स स्वास्थ्य, ठीक है, ब्यूटी एंड सुंदरता और स्वास्थ्य का कॉम्बिनेशन है, तो जब तक हम इंटरनली अपनी बॉडी को फिट नहीं रखेंगे तब तक हम बाहर से सुंदर नहीं दिखेंगे, तो अपने आप को फिट रखने के लिए हम एज ए स्लिमिंग सेंटर भी ओपन कर सकते हैं, हम जिम भी ओपन कर सकते हैं जिसके अंदर हम एरोबिक एक्सरसाइज करवा के हम जो है वर्क कर सकते हैं, योगा करवा सकते हैं, ठीक है, साथ के साथ हम भी फिट रहेंगे और हम दूसरों को भी फिट रखेंगे। दूसरा इसके अंदर एक और बेनिफिट है कि जो भी हम जिम ओपन करते हैं, स्लिमिंग सेंटर ओपन करते हैं, उसके अंदर ज़्यादातर वही लोग आएंगे जो अपने हेल्थ के प्रति कॉन्शियस हैं, ठीक है, जिनको वेट मेंटेन करना है, जिनको वेट लॉस करना है, तो हमें जो है डबल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, हम अपने एक ब्यूटी जो है जो क्या बोलते हैं एक स्लिमिंग सेंटर के अंदर हम हेल्थ प्रोडक्ट भी रख सकते हैं, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट भी रख सकते हैं, ठीक है, और उनको रिकमेंड भी कर सकते हैं, तो हमारे दो दो चीज़ें हम जो है चला सकते हैं, वहाँ पे भी हम काउंटर सेल कर सकते हैं न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स की, ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्लिमिंग सेंटर का। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया, एक बार थोड़ा सा हल्का सा रिविजन ले लेते हैं कि वो कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़, अभी मैंने आपको बताया है कि वो कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो कौन कौन से अवसर हैं जो आपको मिलते हैं ब्यूटी एंड वेलनेस कोर्स कंप्लीट करने के बाद, लेवल 4 कंप्लीट करने के बाद, तो एक बार रिविजन लेते हैं। सबसे पहले हम क्या अपना ब्यूटी सैलून ओपन कर सकते हैं या फिर किसी ब्यूटी सैलून में जॉब कर सकते हैं, सेकेंड हेयर सैलून ओपन कर सकते हैं या फिर किसी हेयर सैलून के अंदर जॉब कर सकते हैं, हेयर आर्टिस्ट बन सकते हैं, हेयर कटिंग आर्टिस्ट बन सकते हैं। थर्ड आता है प्रोडक्ट एंड काउंटर सेल, हम अपना प्रोडक्ट एंड काउंटर सेल भी खुद का ओपन कर सकते हैं या किसी बड़ी कंपनी के अंदर हम मैनेजर बन सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्पा सेंटर, स्पा सेंटर के अंदर हम जॉब कर सकते हैं या खुद का ओपन कर सकते हैं। थेरेपी सेंटर हम ओपन कर सकते हैं या किसी थेरेपी सेंटर के अंदर हम एज ए ब्यूटी थेरेपिस्ट जॉब कर सकते हैं। इंटरनेशनल ब्रांड्स हम रख सकते हैं अपने सैलून के अंदर सेल करने के लिए, या फिर हम ओनली इंटरनेशनल ब्रांड्स की जो कंपनीज होती हैं, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो बनाती हैं, वहाँ पे भी हम जॉब कर सकते हैं। स्लिमिंग सेंटर हम अपना खुद का स्लिमिंग और फिटनेस सेंटर ओपन कर सकते हैं, खुद का जिम ओपन कर सकते हैं, जहाँ पे हम योगा एक्सरसाइज करवा के लोगों को फिट रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ थी प्यारे विद्यार्थियों, जिनके अंदर आप जो है ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद किसी भी फील्ड में जा सकते हो। अब आपने देखा कि ब्यूटी सैलून ओनली ब्यूटी सैलून ही नहीं है, ठीक है, इसके अंदर कितने ऑप्शन मैंने आपको बता दिए, किसी भी ऑप्शन में आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना करियर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तो थी हमारी करियर अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, क्या क्या अवसर हमें मिलते हैं। अब हम एक बार नजर डालते हैं कि ब्यूटी एंड वेलनेस कोर्स करने के बाद हम क्या क्या बन सकते हैं, बन क्या क्या सकते हैं, किस किस चीज़ के परफेक्शनिस्ट बन सकते हैं,
और जो है स्पेशलिस्ट किस किस चीज़ के बन सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि हम एक जो है मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं। अगर हमारा इंटरेस्ट मेकअप के अंदर है, अगर हमारा हम परफेक्ट हैं मेकअप के अंदर, तो हम एक मेकअप आर्टिस्ट भी बन सकते हैं। वो किसी भी फिल्म इंडस्ट्री या किसी भी एक्ट्रेस के पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं, या किसी भी सैलून के अंदर हम जो है स्पेशल मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं, जो सिर्फ हम वहाँ पर मेकअप का ही वर्क करेंगे। सेकेंड, हम टैटू आर्टिस्ट बन सकते हैं। टैटू हमारे दो प्रकार के होते हैं, टेम्परेरी टैटू और परमानेंट टैटू। ठीक है, तो अगर आपका इंटरेस्ट इस फील्ड में है तो आप टैटू आर्टिस्ट बन सकते हैं। आप मेहंदी आर्टिस्ट बन सकते हैं, अगर आपके अंदर कला है, आपके अंदर हुनर है मेहंदी डिज़ाइन करने का, तो आप मेहंदी आर्टिस्ट भी बन सकते हैं। आप हेयर आर्टिस्ट बन सकते हैं, अगर आप परफेक्ट हैं हेयर कट करने में, हेयर स्टाइल बनाने में, हेयर डू करने में, तो आप एक हेयर आर्टिस्ट भी बन सकते हैं। आप एक ब्यूटी एडवाइज़र भी बन सकते हैं। ठीक है, आप स्किन केयर एडवाइज़र भी बन सकते हैं। तो अगर आपको नॉलेज है प्रोडक्ट्स की अच्छे से, कि कौन सा प्रोडक्ट कौन सी स्किन पे यूज़ होता है, क्या क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं, तो आप एक ब्यूटी एडवाइज़र भी बन सकती हैं। आप नेल टेक्नीशियन भी बन सकती हैं, नेल आर्ट टेक्नीशियन भी बन सकती हैं, या फिर नेल आर्टिस्ट बन सकती हैं। जो भी हम नेल आर्ट करवाते हैं, आर्टिफिशियल नेल्स होते हैं, जेल नेल होते हैं, अगर हम उसमें हमारा इंटरेस्ट है तो हम एक नेल आर्टिस्ट भी बन सकते हैं। तो ये तो थे बहुत सारे ऐसे फील्ड जिनके अंदर हम किसी भी करियर में जाके, किसी भी लाइन में जाके हम अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपना करियर बना सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करती हूँ कि आपको जो है जितना भी मैंने पढ़ाया, जो है करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर, जो हमारा लेसन है, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और जो है अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ। ठीक है, हमने पूरा लेसन अच्छी तरह से रीड किया है और अब हम एक बार रिव्यू लेंगे कि जो भी हमने पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन आंसर आप कितना दे पाते हैं। ये इसके जो मैं क्वेश्चन आंसर पूछूं उनको आप बाद में अपने कॉपी में नोट डाउन करिएगा, या फिर जो भी आप अपने ढूंढने की कोशिश करिएगा। मैं एक बार रिविजन तो मैं करवाऊँगी। ठीक है, तो सबसे पहला हम क्वेश्चन देखते हैं कि वो कौन से कारण हैं जिनके कारण हमारा जो ब्यूटी एंड वेलनेस का जो क्षेत्र है वो लगातार ग्रोथ करता जा रहा है। मैंने आपको बताया था, सोचिए, इसको आप अपने नोटबुक में भी लिखना और अपने जो भी आपके नोट्स हैं, जो भी आपकी बुक है उसमें आप ये देखना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट हम यंग जनरेशन करती है, प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा यूज़ हमारी पब्लिक करती है। तो जब तक प्रोडक्ट यूज़ होंगे तब तक इसकी डिमांड कभी ख़त्म नहीं होगी और हर एक दिन नए नए प्रोडक्ट जो है हमारे लॉन्च होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा आता है कि बताइए कि स्पा सेंटर के अंदर क्या वर्क किया जाता है, या स्पा हम बॉडी के ऊपर क्यों लेते हैं, क्या बेनिफिट होता है। नोट कीजिएगा आप क्वेश्चन को। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक स्पा सर्विस हम क्यों लेते हैं, अपने माइंड और बॉडी को रिलैक्स करने के लिए लेते हैं। ठीक है, गुड। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम कि इंटरनेशनल ब्रांड्स के आप नाम बताएं, कौन कौन से होते हैं इंटरनेशनल ब्रांड बताएं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो ब्रांड्स हैं, इंडियन ब्रांड्स और इंटरनेशनल ब्रांड्स। तो इंटरनेशनल ब्रांड्स हमारे कौन से होते हैं, मेबलिन, लोरियाल, मैक, कलर बार, ये सभी हमारे इंटरनेशनल ब्रांड्स होते हैं। और इंडियन ब्रांड्स कौन से होते हैं हमारे, हमारा जो हो गया हिमालय हो गया, लैक्मे हो गया, लोटस हो गया, ये सारे हमारे होते हैं इंडियन ब्रांड्स होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, तो लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि ब्यूटी एंड वेलनेस का कोर्स करने के बाद आप क्या क्या बन सकते हैं। कोई भी 5 या 6 फील्ड, बहुत सारे हैं, उनमें से कोई भी 5 या 6 फील्ड आप अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। तो मैं आपको एक बार रिवीजन करा दूं, इसका आंसर है कि आप मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं, आप एक हेयर आर्टिस्ट भी बन सकते हैं। ठीक है, आप नेल टेक्नीशियन भी बन सकते हैं, आप एक टैटू आर्टिस्ट भी बन सकते हैं, आप मेहंदी आर्टिस्ट भी बन सकते हैं। तो इतने सारे इसके अंदर ऑप्शन हैं कि कोई भी स्टूडेंट जो है किसी भी फील्ड में जाके अपना नाम कमा सकता है। ठीक है, और आशा करती हूँ कि आप सभी को ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा और आपके लिए आगे नई नई वीडियोस जो है हम बनाते रहेंगे। तो मैं फिर से हम धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट का और हमारी एजुसेट टीम का, जिन्होंने मुझे मौका दिया एक अच्छा कंटेंट मैं स्टूडेंट तक पहुँचाऊँ, एक अच्छे जो अपने विचार प्रकट करूँ, ताकि विद्यार्थियों को अपने घर बैठे, क्योंकि स्थिति ऐसी बनी हुई है, सबको पता है कि स्कूल्स ना लगने के कारण हमारे विद्यार्थियों का लॉस बहुत हो रहा है पढ़ाई का। तो हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि
उनको ये फील ना हो कि वो स्कूल नहीं आते, हम उनको लगातार अपनी वीडियोस के थ्रू उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रखें। तो लास्ट में मैं फिर से सबका धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद।